तो दोस्तों बाइबल की स्टार्टिंग में मात्र 10 दिन रह गए हैं और ऐसे में दोस्तों बाइबल को लेकर बड़ी बड़ी अपडेट जो है आना स्टार्ट हो गई है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम आरसीबी के बारे में, जहां पर दोस्तों टीम आरसीबी के खतरनाक बल्लेबाज यहां पर दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल को लेकर, यहाँ पर दोस्तों के यूएई रवाना को लेकर पहुँचने को लेकर, यहाँ पर दोस्तों वनिंदु हसरंगा और दुश्मंता चमीरा को लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट जो है निकल कर सामने आ गई हैं। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से नॉलेज देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है सभी आरसीबी के फैंस के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी हैं आरसीबी के एक बड़े वाले फैन और वेट कर रहे हैं आईपीएल 2021 का, तो कर दीजिए हमारी वीडियो को एक लाइक और आईपीएल जुड़ी और छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिक ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों बात करूं आज की हमारी पहली बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकलकर सामने आ रहा है श्रीलंकन प्लेयर्स को लेकर। दरअसल दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर वनडे की सीरीज यहाँ पर श्रीलंका की यहाँ पर दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही है। और दोस्तों इस सीरीज के अंदर यहाँ पर टीम आरसीबी के दो बेहतरीन खिलाड़ी जो अपना काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों बात करें पर दुश्मंता चमीरा की, तो दोस्तों आपको बता दूँ कि यहाँ पर दुश्मंता चमीरा का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन है हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसी के साथ बात करूँ यहाँ पर वनिंदु हसरंगा के बारे में, तो दोस्तों की गेंदबाजी जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि दोनों ही खिलाड़ी जो है हाल ही में टीम आरसीबी के अंदर शामिल हुए हैं। और ऐसे में दोस्तों आईपीएल में बहुत ही कम समय बाकी रह गया है, और दोस्तों ऐसी कंडीशन में यहाँ टीम आरसीबी के लिए भी ऐसा ही प्रदर्शन अगर करेंगे तो यहाँ टीम आरसीबी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल की कंडीशन में श्रीलंकन टीम को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ही अपनी गेंदबाजी अपने बल्लेबाजी के दम पर दे रहे हैं। और दोस्तों काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ की बात है यहाँ पर टीम आरसीबी के लिए भी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है यहाँ पर दोनों दो खिलाड़ी जो है टीम आरसीबी के लिए भी बढ़िया प्रदर्शन कर पाएंगे कि नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बात करूं आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकलकर सामने आ रही है ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से। दरअसल दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एबी डिविलियर्स जो है यहाँ पर यूएई पहुंच चुके हैं और फिलहाल दोस्तों क्वारंटाइन चल रही है, और दोस्तों में क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट करते ही यहाँ पर दोस्तों अपनी प्रैक्टिस में लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि हाल ही में भी यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई। यहाँ पर दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो अपलोड करी जिसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि वो यूएई के लिए रवाना हो चुके हैं। और दोस्तों इसी के साथ उन्होंने अपनी कैंप और दोस्तों इसी के साथ उन्होंने अपनी पैकिंग को कर लिया है, और दोस्तों वो किसी भी समय यहाँ पर यूएई पहुँच सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूँ कि यहाँ पर दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने कह दिया है कि वो आईपीएल को खेलने के लिए यहाँ पर फिर से एक बार क्रिकेट खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। और इसी के साथ उनका कहना है कि वो एक बार फिर से यहाँ पर टीम आरसीबी की जर्सी पहनकर यहाँ पर टीम आरसीबी के लिए खेलना चाहते हैं, और ये उनके लिए काफ़ी बड़े क्रेज की बात है और इस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर यूएई पहुँचने के बाद उनको यहाँ पर दोस्तों 6 दिनों का यहाँ पर क्वारंटाइन जो है फॉलो करना पड़ेगा, और दोस्तों अपना क्वारंटाइन पीरियड कम्प्लीट करते ही वो दोस्तों टीम आरसीबी के प्रैक्टिस कैंप को ज्वाइन कर पाएंगे और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल को लेकर भी फाइनली एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। और दोस्तों आपको बता दूं कि आज यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल जो है यहाँ पर यूएई पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों आप ग्लेन मैक्सवेल के आने के लिए एक्साइटेड है कि नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी ओवरऑल वीडियोज़। वीडियो के अंदर मैंने आपको आज की यहाँ पर टीम आरसीबी से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।